बेगू और बूंदी के किसान आंदोलन आज हम उनकी बात कर लेते हैं बेगू और बुंदी की बात कर लेते हैं हमारे सामने लिखा हुआ पृष्ठभूमि की बात है बैकग्राउंड की बात है मैं फिर थोड़ा सा अलग पेज लेके इसका बताऊं आपको बातें बता देता हूं फिर मैं समझा दूगू मैं वापस उस बात पर आऊं कि मेवाड़ में सोलह प्रथम श्रेणी ठिकाने थे ये तमाम बातें देखो मेरी बताई हुई आपको फर्स्ट ग्रेड ठिकाने कितने हुआ करते थे तो सोलह हुआ करते थे हमने ये पढ़ा था कि इनमें से चार जो थे वो चुंडा के वंशजों को दिए गए चुंडा को दिए गए चुंडा के वश जो चुंडावत नाम की एक खांप बनी, एक बनी शाखा बनी एक ब्रांच बनी उनके पास मेवाड़ में सर्वाधिक ठिकाने हुआ करते थे सोलह में से चार ठिकाने उनको दिए गए हमने रीजन भी बताया था कि चुंडा ने पूरे राज्य का त्याग कर दिया था अपने भाई मोकल के पक्ष में राज्य छोड़ दिया था हम उनको मेवाड़ का भीष्म कहते हैं कि जिस प्रकार भीष्म पितामह ने राज्य छोड़ा था उसी प्रकार चुंडा ने भी राज्य छोड़ दिया था उन चार ठिकानों के नाम भी मैं आपको पहले की क्लासों में बता चुका हूं मैं एक बार फिर याद करा दू एक था सलूंबर एक था अमेठ एक था देवगढ़ और एक था बेगू ये चार ठिकाने जो चुंडा के वंशजों को या चुंडावतों के पास जो चार ठिकाने सलुम्बर का हम पढ़ते हैं कि सलुम्बर

बेगू वर्तमान में चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है बेगू उस समय मेवाड़ रियासत का पृष्ठभूमि तो में में अब, अब आप समझ गए इसकी पृष्ठभूमि क्या एक पृष्ठ एक बात और बता दू मैं मैंने कहा कि बिजोलिया के एकदम चिपकता हुआ बेगू हुआ करता था तो बिजोलिया में धाकड़ किसान थे यहां पर भी धाकड़ किसान यहां पर भी धाकड़ किसानों द्वारा ही आंदोलन किया गया था क्या कारण थे आंदोलन के आगे लिखे मैं इसके अंदर आंदोलन के क्या कारण रहे होंगे आंदोलन के कारण वही बिजोलिया में चौरासी प्रकार के टैक्स हमने पड़े थे यहां पर थोड़ी सी कमी और यहां पे पर त्रेपन प्रकार के टैक्स पर फिर भी हम तो कहेंगे भाई साहब त्रेपन कौन से कम होते हैं त्रेपन भी तो खूब सारे ज्यादा ही होते हैं भू राजस्व ज्यादा था कमी नहीं थी भू राजस्व में ज्यादा लिया जा रहा था और सिंपल ये इनमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना इनको ज्यादा याद भी नहीं करना किसानों की समस्या किसानों में क्या समस्या हो सकती है सबसे बड़ा टैक्स होता था भूरा देश्व इसको हमेशा बता देना कि ज्यादा था भाई तभी तो विरोध करेंगे कोई कम होगा तो कोई विरोध कैसे करेंगे और अन्य लाग बाग जो हुआ करती थी भू राजस्व के अलावा अन्य जो लगान थे उनकी संख्या ज्यादा होगी तब विरोध करेंगे थोड़ी संख्या याद रह जाए तो आपके बट भली बात नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं आपने तो यूं लिख देना अधिक लाग बाग ली जाती थी अधिक टैक्स लिए जाते थे उधर हम बिजोलिया पढ़ते हैं चौरासी थे इधर पढ़ते हैं वो तिरपन थे लाटा कुंता मैंने कल समझाया था आपके और याद रह जाए तो कि किसान अपने फसलों को काट काट के गठरिया बना के छोड़ते हो तो लाटा और उनके अंदाजे लगाते थे कुंता और इसने नहीं लिखा मैं बता दू बेगार सब जगह समस्याएं थी इसमें इतना कुछ सोचना ही नहीं ये करना है या नहीं करना है। एक सेम सेम सी समस्या हुआ करती थी इन कारणों से किसान आंदोलित थे मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था धाकड़ जाति के किसान ज्यादा थे बिजोलिया की देखा देखी इन लोगों ने भी आंदोलन किया क्योंकि ये भी उन्हीं लगभग उन्हीं समस्याओं से ग्रस्त थे जैसे त्रेपन प्रकार के टैक्स बुरा जस ज्यादा लाठा कुंता और बेगार बिगार मैंने बताया था जबरदस्ती टैक्स लिया जाना धाकड़ किसानों द्वारा आंदोलन किया गया ये जो आंदोलन था यह अपने भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है मेनाल आप जब राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो और ढंग से थोड़ा पढ़ेंगे त्रिवेणी संगम है तीन नदियां मिलती है यहाँ पर आकर बड़ा आसपास के लोगों के लिए तीर्थ स्थान था मैं जब चौहान पढ़ा रहा था मैंने तब भी बताया था कि यहाँ पर आसपास में खूब सुंदर से मंदिर और बने हुए हैं अच्छी जगह है मेनाल आप गर्मियों के दिनों के अंदर तो बरसात का टाइम होता है तो आप घूमने के लिए जा सकते हैं एक नेचुरल साइट भी है एक कल्चरल साइट भी है और सबसे बड़ी बात की एक राजनीतिक जागृति दिखाने वाली साइट है ऐसी जगह जहां से किसान आंदोलन वगैरह शुरू हुए और वहाँ मेनाल में एक जगह पड़ती है भैरू कुंड वहां से आंदोलन शुरू हुआ था दोनों चीजें याद रखना मुझे याद है किसी समय आर सिंपल क्वेश्चन पूछा करती थी बेगू किसान आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ मेनाल फिर स्टूडेंट क्या करता है यार याद कर लेता है सारे के सारे नाम मेनाल सेवा वाह नाल सेवा वाह नाल सेवा से वा। तो फिर बेचारों को थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे करना पड़े और फिर वो कहे बेगू किसान आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ आप सब याद करके जाओ मिनल से मिनाल से और वो नीचे मीनाल वो नीचे लिखे को भैरुकुंड दुर्गा कुंड शिव कुंड, कुंड, कुंड गणेश कुंड आपको लगे यार ये तो पढ़ा ही नहीं था कौन से कुंड से था तो अपने याद रख लेना भैरू कुंड नाम की जगह वहां से आंदोलन शुरू हुआ और किसानों ने कहा भाई अपने को आंदोलन करना है कोई स्याणा आदमी था और उसने कहा कि आंदोलन के लिए नेता की आवश्यकता होती तो क्यों ना अपने एक नेता का बड़ा जाए कहीं से नेता बुलाया जाए उनका बुलाना का क्या गली में छोरा गांव में ढिंडोरा वाली बात ये बिजोलिया रहा और बिजोलिया विजय सिंह जी बैठे क्या शानदार आंदोलन चला रहे हैं भाई साहब पुस्तकालय बना रखे हैं उन्होंने वहां पे अखाड़े बना रखे हैं मतलब पढ़ाई भी करो शारीरिक कसरत भी करो युवाओं के संगठन अलग बना रखे हैं महिलाएं बच्चे अलग से शामिल हो रखे हैं और धाकड़ भाई तो कर रहे हैं अपने इधर और वो लोग विजय सिंह जी के पास गए विजय सिंह जी पधारो हमारे देश जब आप बिजोलिया में आंदोलन कर रहे हो तो क्यों ना हमारे बेगू में भी आके आंदोलन किया जाए इधर भी आओ विजय सिंह जी देखो यार एक आदमी दो दो जगह ऐसे नहीं कर सकता अब जब मैं उधर बिजोलिया के अंदर कर रहा हूं तो इधर बेगू में आके ध्यान दूंगा तो यार फिर पूरी तरीके से ढंग से दोनों आंदोलन नहीं चला पाऊंगा मैं एक काम करता हूँ मेरे एक साथी है मैं इनको भेज देता हूँ यकीन रखिए बहुत अच्छे नेता है और आपका आंदोलन ये चला देगा और मेरे साथ हमारा एक संगठन है राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पथिक संगठन चलाया करते राजस्थान सेवा संघ मेरे साथ राजस्थान सेवा संघ में जुड़े हुए मेरे साथी ये आपके यहां पर आके आंदोलन चलाएंगे वो साथी थे नारायण चौधरी विजय सिंह पथिक ने इन्हें भेजा याद रखना भाई विजय सिंह पथिक ने भेजा था सेंट बाय विजय सिंह पथिक कौन से संगठन से जुड़े हुए थे सब लोग तो राजस्थान सेवा संघ सारी बातें नहीं बतानी पड़े आपको लगे कि हाँ सर राजस्थान सेवा संघ तो हम जानते हैं ये तो बिजोलिया वाले आंदोलन के अंदर भी था और बेगू वाले में भी राम नारायण चौधरी जी यहाँ पर जुड़े हुए इनके साथ राम नारायण चौधरी जी ने मेवाड़ रियासत के एक अधिकारी हुआ करते थे दामोदर लाल इन दामोदर लाल जी से जाके बातचीत की और दामोदर लाल जी को जाके कहा कि भाई ये, ये किसानों की समस्याएं हैं यार देखो आप पर सरकार ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया सरकार ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो इन्होंने कहा कि भाई अपने करेंगे अपने। और आंदोलन के अंदर क्या सुनो देखो आंदोलन किया जाएगा और इन्होंने का लगान देना बंद कर दिया था लगान नहीं देंगे हम लाटा कुंता नहीं करवाएंगे बेगार नहीं देंगे और ये देखो आप मैं एक बड़ी जोरदार बात इस समय गांधी जी का एक आंदोलन चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कांग्रेस एक चला रही थी और उसके अंदर कह रहे थे कि हम गवर्नमेंट के जितने भी मशीनरी है उनका बॉयकॉट करें तो हम आज के बाद में सरकार के न्यायालय में नहीं जाएंगे इनके कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे तो, तो अपने किसान पंचायतें बनाएंगे और उन किसान पंचायतों के माध्यम से अपना न्याय किया जाएगा अपनी खुद की न्याय प्रणाली करेंगे सरकार के पास में जाना ही नहीं सरकार जब अपनी समस्याएं मानने के लिए तैयार ही नहीं है तो अपने सरकार के पास क्यों जाए बेगू के सामंत को लगा कि यार मामला गंभीर हो सकता है बेगू के समय सामंत हुआ करते थे अनूप सिंह जी अनूप सिंह जी बेगू के सामंत हुआ करते अनूप सिंह जी ने किसानों को बुलाया और किसानों को बुलाकर कहा कि बताओ भाई क्या समस्या है अजमेर के अंदर पथिक जी ने इनकी मीटिंग करवाई में पथिक जी ने कहा देखो यार मामला थोड़ा अजमेर के अंदर मीटिंग करवाते हैं पथिक जी मीडिएटर थे अजमेर में पथिक जी मीटिंग करवाते हैं अनूप सिंह से किसानों की किसानों ने कहा यार समस्या कैसे नहीं है त्रेपन त्रेपन टैक्स लेता है तू बेगार हमसे लेता है लाटे कुंते लगाता है बढ़ा देता है। अनुप सिंह ने कहा कि यदि तो? तो क्यों करेंगे उसने कहा ठीक है आपकी बातें मान ली जाती है तो आंदोलन बंद हो गया अब आप निराश हो गए आपको लगा कि यार ये क्या हुआ ये तो नहीं होना चाहिए आंदोलन के अंदर थोड़े खुड़के नहीं हो फिर मतलब क्या निकले मतलब आंदोलन हुआ और खत्म हो गया फिर तो मजा ही नहीं आता ना कोई करते हैं देखो ये बातें अंग्रेजों को पता चली अंग्रेजों को पता चली बेगू वाले में अंग्रेज पहले से इंटरेस्ट ले रहे थे क्योंकि बिजोलिया वाला उधर चल रहा था तो अंग्रेजों को लग रहा था कि यार मामला गंभीर तो शुरुआत में जब बेगू वाला आंदोलन शुरू हुआ था उसी टाइम अंग्रेजों को लग गया था कि नहीं मामला गड़बड़ हो सकता है फिर मैंने बताया था कि उस समय मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे फतेह सिंह जी मैंने उस दिन कल भी आपको एक बात बताई थी कि फतेह सिंह जी कहीं ना कहीं अंग्रेज विरोधी रवैया रखते थे अंग्रेजों के साथ में उनकी बनती नहीं थी और जब राम नारायण चौधरी दामोदर लाल सैन बातचीत करने के लिए आए तो अंग्रेजों को लगा यार ये या फतेह सिंह जो है ये किसानों के पक्ष में जा सकता है और इस आदमी को हटाया जाना चाहिए तो बड़ी जोरदार घटना हुई और अब फतेह सिंह जी को और तो क्या किया जाए तो फतेह सिंह जी कहा गया भाई आप तो बूढ़े हो गए

कि यार अनूप सिंह ने तो किसानों के साथ समझौता ही कर लिया अंग्रेजों का एक अफसर हुआ करता था ट्रेंच वही सेटलमेंट ऑफिसर रेवेन्यू कमिश्नर हुआ करता था बिजोलिया के अंदर भी जो सेटलमेंट सही नहीं करके गया था और ट्रेंच ने कहा कि अच्छा मतलब अब किसान जो है वो अपनी कोई भी मांग और यू आंदोलन करके मनवा लेंगे ये तो बोल्शेविक समझौता है और ट्रेंच ने इसको बोल समझौता बताया क्या था मैं वापस बताता हूं देखो सम, सुनना मेरी बात ट्रेंच ने भोपाल सिंह जी को और जिनके पास शासन का अधिकार थे उन्होंने कहा साहब कर क्या रहे हो ये बोल समझौता है बोल एग्रीमेंट है क्या था बोल एग्रीमेंट क्या था 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन होती है 1917 में रूस में क्रांति होती है वहां पर एक पार्टी का नाम था बोल्सेविक पार्टी जो किसानों की मजदूरों की मतलब एकदम लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उनकी पार्टी हुआ करती थी जिनके नेता हुआ करते थे लेनिन लेनिन नेता थे जिनके। और 1917 में जब लेनिन के नेतृत्व में बोलसेविक पार्टी ने क्रांति की और बोलसेविक पार्टी ने क्रांति करके रूस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया रूस के राजा को बोलते थे जार तो जार को खत्म कर दिया गया था और इसलिए उस क्रांति का नाम बोलसेविक क्रांति भी पड़ा और बोलसेविक पार्टी के नेतृत्व में क्रांति भी इसलिए बोलसेविक क्रांति है जार को खत्म किया गया इसलिए बाद में लेनिन के हाथ में वहां की सत्ता आती कम्युनिस्ट क्रांति कम्युनिस्ट क्रांति भी कहा जाता है साम्यवादी क्रांति कह दो आप उसको कम्युनिस्ट क्रांति कह दो आप उसको बोलसेविक क्रांति कह दो क्योंकि विचार जो थे वो कम्युनिज्म के विचार वहां करते थे उनके कि सारी जो सत्ता है वो राजा के के या सामंतों हाथ में नहीं होनी चाहिए वो किसान मजदूर जनता के हाथ में सत्ता होनी चाहिए तो आपने तो तो लोकतंत्र नहीं।, नहीं।, नहीं आने डिक्टेटरशिप लागू की जानी चाहिए तभी सब लोगों में संसाधनों का बराबर बंटवारा किया जा सकता है और इस बोलसविक क्रांति ने नाइनटीन वाली पूरे भारत को प्रभावित किया था इवन अपने बिजोलिया में भी जो किसान आंदोलन चल रहा था तो किसानों में कहीं ना कहीं बोल सेविक क्रांति से और प्रेरणा मिल रही थी 1917 में तो रशिया में क्रांति हो रही है 1917 में इधर अपने माल पंच बोर्ड वगैरह ये आंदोलन चल रहे रहे हैं बेरी साल के हरियाली पर इकट्ठे हो कनेक्शन थे दुनिया भले कम जुड़ी हुई थी फिर भी जुड़ी हुई थी आज इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा लेकिन फिर भी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों के पास तो खबरें आती थी तो ट्रेंच ने कहा भोपाल सिंह जी को कि भोपाल सिंह जी जिस प्रकार रशिया में बोल सेविकों ने सरकार गिरा दी। वैसे यहां पर पर भी भी देख लो यहां पर भी किसानों ने आपके कहा कि बेगू के सामंत ने किसानों के साथ जो भी समझौता किया है हम उसको स्वीकार नहीं करते और बेचारे अनूप सिंह को उदयपुर बुलाया उदयपुर बुला के नजरबंद कर दिया बैठ जाता हूँ तो यहां पर आज के बाद तू बेगू का शासन नहीं संभालेगा तो साहब बेगू का शासन कौन संभाले तो हम एक बंदा भेज देंगे और वो बंदा था अमृतलाल अमृतलाल नाम के एक आदमी को बेगू का प्रशासक बना दिया गया कि तू मामला देख क्या बात हुई मैं वापस एक बार करते हैं देखो अपने शुरू से पढ़ते हैं इसको बेगू किसान आंदोलन क्या है पृष्ठभूमि में मैंने बताया आपको कि चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था धाकड़ किसान ज्यादा थे चुंडा के बंसा जाने के 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 वंशज पास पास था 1921 में, में के नाम स्थान से आंदोलन शुरू किया पथिक जी के पास कि पथिक जी जी गए कि हमारी नेतागिरी करो राम नारायण चौधरी को भेज दिया जो कि उनके राजस्थान सेवा संघ के एक मुख्य साथी हुआ करते थे और राम नारायण चौधरी जी ने दामोदर लाल जो रियासत के एक मंत्री हुआ करते थे उनसे बातचीत की लेकिन कोई समझौते का हल नहीं निकला हल नहीं निकला तो उन्होंने कहा तो उट करना है और अपने खुद की बनाना है, वहां पे जस्टिस के लिए अपने जाना है, किसान पंचायत बनानी है। और ये सब बातें जब अंग्रेजों ने सुनी बेगू किसान आंदोलन की तो पहले तो उन्होंने फतेह सिंह से अधिकार छीन के भोपाल सिंह जो उनके बेटे हुआ करते थे महाराज कुमार थे उनको शासन के अधिकार सौंप दिए गए और बाद में अनूप सिंह को भी नजरबंद कर लिया गया और वहां अमृत लाल को बेगू का प्रशासक बना दिया गया ट्रेंच नाम का एक ऑफिसर था जिसने इस समझौते के बारे में कहा था कि बोल से समझौता है और मेवाड़ की रियासत ने इस समझौते को मानने से मना कर दिया तो लिया था यह पटी ली थी बात मेवाड़ की सरकार कहती है हम इस समझौते को स्वीकार नहीं करते हम इस समझौते को नहीं मानेंगे देखो दो बातें सुनना मेरी बात बिजोलिया में रियासत किसानों के साथ समझौता कर रही थी पर सामंत उस समझौते को लागू नहीं कर रहा था बेगू में सामंत किसानों के साथ समझौता कर रहा है लेकिन रियासत इसको मानने से मना कर रही है अलग अलग चीज है बिजोलिया और में क्या बिजोलिया में क्या हो रहा है रियासत कर रही है बिजोलिया का सामंत कर रहा है मैं स्वीकार नहीं करूंगा बेगू में क्या हो रहा है सामंत कर रहा है पथिक जी की मध्यस्थता से अजमेर के अंदर वो किसानों के साथ अनूप सिंह समझौता कर लेता है लेकिन यहां पे रियासत कर रही है हम इस समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे रियासत की क्या पड़ी है बिजोलिया वाले में तो समझ में आ जाए कि बिजोलिया का सामंत कहे भाई मेरे को घाटा होगा तुम कौन हो हो तो समझौता करने वाले पर यहां तो बेगू के सामंत के और किसानों के बीच में आंदोलन है उनके बीच में सब कुछ बात हो रही है फिर रियासत मना क्यों कर रही है उसके द्वारा ऐसा क्यों किया गया तो एक तो मैंने बताई दिया अंग्रेजों वाला प्रेशर है अपने आप में कि भाई अंग्रेजों ने कहा कि नहीं नहीं इस प्रकार से तो ये जनभावना जो है आज किसान आंदोलन में है कल को पॉलिटिकल अवेकनिंग आएगी और कल को ये तो अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएंगे राजाओं के खिलाफ हो जाएंगे ये तो जैसे रशिया में बोल सेविकों ने किया था वैसे कर लेंगे और फिर मुझे कई बार लगता है कि यार ये वो बात है कि यहाँ पे जो भूपाल सिंह को और अधिकार मिले हुए थे इन लोगों ने इग्गो पे ले ली इस चीज को उन्होंने कहा नहीं सामंत कैसे समझौता कर सकता है हमसे तो कोई बातचीत करने के लिए नहीं है कई बार यूं जयकांत सिकरे का इग्गो बैठे बैठे हर्ट हो जाता है वो गांव वाली सी कहानी है मक्सर इस ये जब भी फटाता हूँ बताता रहता हूं कि गांव में कोई महिला पड़ोस के अंदर छाछ मांगने के लिए गई छाछ तो जानते होंगे आप ज्यादातर लोग नहीं जानते लस्सी लस्सी जिसको कहते हैं अपने छाछ लस्सी हालांकि यहाँ शहर के अंदर आके इनमें भी बंटवारा हो जाता है कि नहीं लस्सी अलग होती है छाछ अलग होती है पर फिर भी जैसे पंजाबी में कहे टोडी तो बोती कोड़े कोड़े एक सी बात है छाछ मांगने के लिए गई नॉर्मल सी प्रक्रिया होती है गाँव में अपने घर पे यदि धीना नहीं धीना समझते हो आप नहीं समझो तो मतलब यदि गाय भैंस के दूध नहीं है आपके घर पे तो आप पड़ोस से मांगने के लिए जाते हो सामान्य सी प्रक्रिया उनके खत्म हो जाएगा तब अपने से मांगने के लिए आएंगे गई महिला और उसने जाके जो पड़ोस का घर था उनकी बीन घर पे थी उसको जाके कहा कि भाई छाछ लेने के लिए आई थी मैं छाछ दो उस ने कहा कि आज हमने बिलोना नहीं किया बिलोना भी जानते होंगे आप ज्यादातर लोग जो दही मथने के लिए जो किया जाए छाछ बनाने के लिए बिलोड़ा जो किया जाए उसने कहा हमने बिलोड़ा नहीं किया और गाँव में होता है कई बार नहीं करते कोई बृहस्पतिवार को नहीं करें कोई अमावस को नहीं करें कई ऐसे दिन आ जाते अब आप किसी के घर पे कुछ लेने के लिए जाओ अगला कहते हमारे घर पे ये नहीं है वापस आ जाओ अब वो महिला जो पड़ोसन थी वापस जा रही थी वापस जा रही थी तो जिनके घर से वो छाछ मांगने के लिए गई थी उस घर की सासू मिल गई मन्ना तो बीनड़ी ने किया था सासू मिल गई रास्ते में और सासू ने पूछा कि भाई किधर जाके आई थी उसने कहा मतलब आपके घर ही गई थी कैसे

केतली बरनी जो भी बर्तन था उनके पास में वो उठाया और उठा के रसोई में गई रसोई में तो किया ही नहीं। आज नहीं। उसने कहा चली गई थी फिर आप मुझे वापस क्यों लेके उसने कहा बेननी कौन है मना करने वाली मना मैं कर सू ये अधिकार अभी बीननी को दिए नहीं है कि बेननी किसी काम के लिए मना कर दे ये मैं सासू ये मेरे अधिकार अभी तक तो मेवाड रियासत को वो लगता था भाई सामंत कौन है समझौता करने वाला हमारे पास आओ किसान हम बातचीत करेंगे हम माफ कर दें भले हमने बिजोलिया वालों के भी माफ किए थे पर सामंत सीधा सीधा नहीं कर सकता तो बेचारे सामंत को तो गिरफ्तार कर लिया और अमृतलाल को वहां का प्रशासन सौंप दिया गया थोड़ी बातें लिखी हुई इसके अंदर ये पॉइंट से लिखे हुए मैं वापस बताता हूँ ये बोलसेविक वाला तो यही लिखा हुआ है कि ट्रेंच नई समझौते को बोलसेविक समझौता कहा था ये बात मैंने आपको बता दी बोलसेविक एग्रीमेंट का था मैंने ये भी आपको बता दिया कि अनूप सिंह को गिरफ्तार करने के बाद अमृत लाल को प्रशासक बनाया गया था और ये बाकायदा जिस प्रकार रशियन क्रांति हुई थी उसी प्रकार ये जो किसान आंदोलन था ये रशियन क्रांति से बहुत प्रभावित था रशिया में वहां पे किसानों की जो पंचायतें बनाई गई थी उनको सोवियत कम्यून बोला करते थे किसानों के संगठन बने थे वैसे ही किसान पंचायतें अपने बेगूम के अंदर बनाई गई थी तो कोई पूछेगी भाई सोवियत कम्यून की तरह किसान पंचायतें कहां पर बनाई गई थी तो बेगू किसान आंदोलन में भी बनाई गई थी उनको इनका विरोध नहीं हुआ होगा नहीं भाई साहब इनका विरोध भी हुआ है उन्नीस में चांदखेड़ी नाम की जगह पे उन्नीस में मंडावरी नाम की जगह पे किसानों पर लाठीचार्ज किए गए थे ये भी याद रहे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि चांदखेड़ी व मंडावरी नामक स्थान कौन से किसान आंदोलन नामक स्थानों पर कौन से किसान आंदोलन के दौरान लाठी चार्ज किए गए थे सिंपल पूछ लिया अगले ने तो नाम याद रहे चांदखेड़ी और मंडावरी जो बेगु एक बड़ा ठिकाना था बेगू के नीचे भी छोटे छोड़ छोटे गांव हुआ करते थे उनके भी ठाकुर हुआ करते थे तो वो जो भी सामंत थे उनमें ज्यादातर ये दो सामलिया और रावरदा नाम की दो जगह पड़ती है यहाँ के सामंतों ने किसानों का ज्यादा विरोध किया था याद रहे तो ठीक नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं वो उधर वाले दो नाम याद रखना आपने सामंतों ने किसानों का विरोध किया कहा अच्छा ये कौन होते हैं भाई ऐसे करने वाले आंदोलन नहीं करने देंगे इनका ये दो तीन बातें याद रख लेना इधर वाले नाम पक्के याद रहे आपके चांदखेड़ी और मंडावरी और यहाँ पे लाठीचार्ज किए गए थे और बाकी बातें मैंने बताई दी आपको ट्रेंच ने जब इसको भोल से समझौता कहा तो सरकार को लगा कि ट्रेंच समझदार आदमी है तो ट्रेंच को कहा कि ट्रेंच तुम जाओ और तुम जाके किसानों से बातचीत करके आओ ट्रेंच आया यहां पर बातचीत करने के लिए और ट्रेंच ने किसानों को आके कहा कि आओ और मेरे से बातचीत करो बेगू आओ बेगू में आगे बातचीत की जाए मेरे से किसानों ने ट्रेंच से बातचीत करने से मना कर दिया किसानों ने कहा यार बातचीत किस बात की हमारे जो भी समस्याएं थी हन, हमने अनूप सिंह जी को बताई अनूप सिंह जी ने सारी समस्याएं मान ली तू मरा था वहां पे तू कह रहा था ये बोल से समझौता है इस चक्कर में हमारे तो अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया इस अमृत लाल को भेज दिया और इसने वो समझौते मानने से मना कर दिया तो अब सबसे बड़ी समस्या तो तू है और हम तेरे से बातचीत नहीं करेंगे उल्टा एक गांव और हुआ करता था रायता नाम करके गांव हुआ करता किसानों ने ट्रेंच को कहा गया रायता जा अब जो भी रायता फैलेगा वो यही करेंगे अपने तो तू यहाँ आके हमसे बातचीत कर ले ट्रेंच यहाँ पर आना नहीं चाहता था ट्रेंच ने कहा जा मैं बुलाऊ वहां पर इतने मई दिन ट्रेंच को खबर मिली कि गोविंदपुरा नाम के गांव में तेरह जुलाई उन्नीस को किसानों की एक मीटिंग हो रही थी। ट्रेंच तेरा जून उन्नीस था आने के एक महीने बाद 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा नाम के गांव में एक मीटिंग हो रही थी और ट्रेंच ने कहा कि चलो किसान वहां इकट्ठे मैं वहां जाके किसानों से बातचीत करता हूँ ट्रेंच वहां किसानों से बातचीत करने के लिए गया किसान ट्रेंच को देखना ही पसंद नहीं कर रहे थे और जैसे ट्रेंच आए किसानों ने लो भाई खिड़े जाओ इससे तो मरी बात नहीं करनी

गोविंदपुरा नाम के गांव में तेरा जुलाई उन्नीस सौ तेईस का यह हत्याकांड था इसमें ट्रेंच नाम के एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा फायरिंग फायरिंग के आदेश दिए गए थे या करवाई गई थी तो ये याद रखना भाई बात रूपा जी और कृपा जी की फोटो वहां पर जो लगी हुई है बेगू के अंदर तो वो फोटो है हम और पढ़ते हैं थोड़ी सी बातें अखबारों के अंदर क्या चीज हुई क्या चीज नहीं हुई वही अखबार राजस्थान केसरी प्रताप तरुण राजस्थान कहते हैं, इन अखबारों ने बड़े जोर शोर से जब इन बातों को लिखा तो मेवाड़ की सरकार ने इन अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिए थे कि ये मेवाड़ के अंदर नहीं चल सकते बैन किए गए थे सारे अखबार तरुण राजस्थान वही नवीन राजस्थान ही भाई अपना ना इसका नाम बदल के बाद में तरुण राजस्थान किया गया था बाकी एक ही बात है नवीन राजस्थान को भले तरुण राजस्थान को तो, आगे हम और पढ़ ले इस अखबार ने तो बड़ी एक जोरदार लाइन लिखी इसने फतेह सिंह जी को एड्रेस करते हुए लिखा था कि फतेह सिंह जी हम चाहते हैं कि आप अपने बेटे भोपाल सिंह को जो आपने शासन के राइट्स दे दिए हैं उनको वापस ले लिया जाए हम आपके अधीन रहने के लिए तैयार है पर भोपाल सिंह जी अब अंग्रेजों की कठपुतली बनते जा रहे हैं जैसा अंग्रेज कहते हैं वैसा करते हैं इसलिए प्लीज आप इनसे अधिकार वापस लेकर हमें गोरी सरकार से बचाओ ये कोई पूछ सकता है कि बेगू किसान आंदोलन के दौरान कौन से समाचार पत्र ने फतेह सिंह जी को वापस शासन अधिकार लेने के लिए कहा था तो नवीन राजस्थान था नाम तो तब तक नाम बदल के इसका तरुण राजस्थान हो चुका था तो तरुण राजस्थान नाम याद रख लेना अब

आंदोलन और जोर शोर से बढ़ना शुरू हुआ कि भाई ऐसे कैसे हत्याकांड वगैरह कैसे हो गया तो कहा कि रामनारायण चौधरी को गिरफ्तार कर लिया जाए रामनारायण चौधरी को गिरफ्तार कर लिया विजय सिंह पथिक को जब पता चला कि भाई राम चौधरी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो विजय सिंह जी चले गए थे यहां पर और विजय सिंह जी को 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिया गया विजय सिंह जी इसी आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे बिजोलिया पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था विजय सिंह गिरफ्तार हो गए थे तो इस बेगू वाले के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था पर दोनों सामानांतर चल रहे हैं तो बिजोलिया से इधर बेगू आ गए थे फाइनली उन्नीस फाइनली 1927 के अंदर जाके वो रिहा हुए थे उससे पहले ही किसानों के साथ में समझौता कर लिया गया उनकी कई बातें वगैरह मान ली गई थी तो आंदोलन बाद में धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो गया था तो ये बेगू वाला आंदोलन याद रखना भाई गोविंदपुरा हत्याकांड याद रखना चंदखेड़ और मंडावरी नाम की दो जगह याद रखना जहां पर लाठी चार्ज हुए थे गोविंदपुरा में फायरिंग हो गई थी रूप जी और कृपा जी शहीद हुए थे तेरा जुलाई की बात है ट्रेंच ने वहां पर फायरिंग करवाई थी इतनी सारी बातें आप याद रख लें विजय सिंह पथिक इसी आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे याद और तरुण राजस्थान अखबार ने फतेह सिंह जी को कहा था कि शासन के अधिकार आप वापस ले लो शासन के अधिकार किसके पास थे तो भोपाल सिंह जी के पास जो उनके बेटे हुआ करते थे उनके पास चले गए थे अनूप सिंह को भी नजरबंद करके बेगू में किसको लगा दिया गया था तो अमृत लाल को लगा दिया गया ये सारी बातें बेगू किसान आंदोलन की